आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने पहलू खान केस में स्टेट रोड से टोल टैक्स खत्म करने के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से पहलू खान केस की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी सरकार में पहलू खान के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया और पहले पहलू खान के परिजनों को इंसाफ दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पहलू खान केस की जांच में लापरवाही बरती गई थी और सरकार दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी। तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने टोल टैक्स हटाने के फैसले को बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार दिया और कहा कि इससे सरकार पर बड़ा भार पड़ने वाला था, जिसके चलते जनहित में सरकार ने टोल हटाने का फैसला लिया। वहीं पर सतीश पूनिया को सीएम गहलोत ने नया नया मुल्ला कहा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कही है, जहां पर पहलू खान केस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने पहलू खान पर जो केस दर्ज किया था वो गलत थे और जिस तरह से इस मामले में अब जो सुनवाई हुई और जो तस्वीरें साफ हुई है हाईकोर्ट के इस रुख के बाद, ये पूरी तरह से तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पहलू खान के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया था और पहलू खान के परिजनों को इंसाफ दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ये बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी। इससे पहले भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब पहलू खान मामले पर फैसला आया था उसके बाद कह चुके हैं कि पहलू खान के परिवार को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हाईकोर्ट के इस रुख के बाद भी अशोक गहलोत ने ये बात एक बार फिर से दोहराई। वहीं पर आपको बता दें, स्टेट टोल हाईवे से टोल हटाने को लेकर बीजेपी का चुनावी हथकंडा इसे करार दिया और इसके बाद जरूरत बताना और कहा कि विकास में अहम योगदान था, इससे अतिरिक्त भार पड़ता था, इसीलिए ये टोल वापस लगाया गया। जी मीडिया संवाददाता मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अहम मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने जो पहलू खान मामले में हाईकोर्ट ने जो एक एफआईआर जो रद्द की है उस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये उस समय की किया गया भाजपा सरकार की ओर से एक कृत्य था जो वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था और बिल्कुल सरासर गलत था और वो आज हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक नजीर बनेगा और हाईकोर्ट के फैसले को, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर जो कानून बनाया है उस कानून को अब जो है मजबूती मिलेगी और केंद्र सरकार को जिस तरीके से कानून बनाकर भेजा है, गृह मंत्रालय में वो पेंडिंग है, उस को लेकर के केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है उस फैसले के मद्देनजर, और ये जो है पहलू खान जैसे मामलों में जो कोर्ट ने जिस तरीके संजीदगी दिखाई है, झूठे केस किए गए, इस मामले को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश थी और क्रॉस केस कर दिया गया, जो पीड़ित एक पक्ष था उस पर ही केस कर दिया गया, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। तो उन्होंने कहा कि एक कोर्ट ने इस तरीके से जो एक साफ कर दिया है कि ये गलत किया गया, और दूसरा उन्होंने कहा कि एसआईटी एक गठित की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, उस एसआईटी में जो भी पुलिस कर्मी हो चाहे दोषी अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले कहा। और साथ ही दूसरा एक जो इश्यू था टोल टैक्स को लेकर के, उस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये उस समय वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था और साफ तौर से चुनाव जीतने को लेकर के ऐसा जो छूट दी गई थी, कहीं पर भी मेरिट पे ये फैसला नहीं लिया गया, इस वजह से ये सरकार जनता के हित में ये फैसला वापस लिया जा रहा है और ये जनता और जो टोल टैक्स दे रहे वो लोग सक्षम है वो इसका स्वागत करें, न कि इनका विरोध करें। जी बिल्कुल, और वहीं पर आम जनता की बात की जाए मनोहर, चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में हालांकि फैसले के बाद अब थोड़ा सा देर भले ही होगी, लेकिन फिलहाल कहा यही जा रहा था कि आम जनता को इससे राहत तो मिल रही थी, भले ही सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस फैसले का कोई असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है? ये बिल्कुल, ये फैसला जिस तरीके से लिया गया फैसला जो लिया है, जो ये फैसला निश्चित तौर पर एक आम लोगों को प्रभावित करने वाला फैसला है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि ये मेरिट पर नहीं लिया गया था और जिस तरीके से राजनीतिक जो एक दुर्भावनावश फैसला था उसको वापस किया गया और पब्लिक के इंटरेस्ट में, ये पब्लिक के ही पैसे हैं और जिस तरीके से टोल के लिए जो एक पहले से रूल बने हुए हैं उस रूल के मुताबिक ही ये सारा फैसला है जो वापस लिया गया, पहले जो पूरा फैसला था वो राजनीतिक था और वोटों के लिए किया गया था, लेकिन ये अब मेरिट के आधार पर फैसला किया गया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं।
एसआईटी बनाई है। एसआईटी बना करके हम लोगों ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः हम लोगों ने अपील करी हाईकोर्ट के अंदर अभी 10 दिन पहले। मुझे उम्मीद है कि पहलू खां को न्याय मिलेगा। पहलू खां दुनिया में नहीं है तो पहलू खां अपना आप के अंदर पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग को लेके एक प्रतीक बन गया है। जब जब मॉब लिंचिंग होगी देश के अंदर तब तब पहलू खां याद आएगा, जुडिशरी को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी और आम लोगों को भी। इस शुरू में पहलू खां एक प्रतीक बन गया है और राजस्थान सरकार की ड्यूटी है कि पहलू खां के परिवार को न्याय मिले, मुलजिमों को सजा मिले, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे, सुनिश्चित करना चाहेंगे। ये फैसला चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में था। जो प्राइवेट कारें हैं उनका टोल टैक्स माफ करने का तुक क्या था? अगर सरकारी खजाने का सिर्फ सवाल होता तो मैं फिर भी उसको टॉलरेट करता कि एक बार मान लीजिए कर दिया सरकार ने फैसला। परंतु ये सभी सड़कें जो है टोल टैक्स ठेके में दिए गए हैं 25 साल 20 साल 15 साल के लिए। अगर आप जो हमें लीगल ओपिनियन मिली है उसके आधार पर आने वाले वक्त में राजस्थान की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भार आएगा। सतीश पूनिया जी को भी वक्त लगेगा समझने में बातें। वो नए नए मुल्ला है, नए नए वो अभी जो नया मुल्ला होता वो जोर से भाग देता है तो उनकी स्थिति बनी हुई है। उनको अभी अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के इशारे हैं कि क्यों हमारे आरएसएस पर, बीजेपी पर, अमित शाह जी पर, मोदी जी पर अटैक हो रहा है राजस्थान मुख्यमंत्री के द्वारा। राजस्थान मुख्यमंत्री टारगेट बना के ही आपको राजनीति करनी है, ये विशेष उनको काम सौंपा गया है। वो काम निभा रहे हैं और मैं उनका स्वागत कर